इतने सालों तुमसे दूर रही, अब किसी की परवाह नहीं मुझे। नहर पर मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ, आ जाओ, भागकर अपना नया घर बसाएंगे। इतनी रात को ये कहाँ चले गए? सलोनी, मैंने यकीन नहीं होता कि इतने साल बाद आज यहाँ इस तरह तू मेरी राह तक रही। ओ चक्को चक्को, ओ ले फड़ा हाथ भाई, फड़ ले हाथ। ओ शाबाश, बस यही रख दो। एक शादीशुदा आदमी आधी रात को अपने घर से निकलकर एक लड़की से मिलता है और अगले ही दिन उसकी लाश नहर में तैरती हुई मिलती है। बस यही रख दो। नमस्कार, सावधान पंजाब फाइट बैक नाउ में मैं सौरभ राज जैन आपका स्वागत करता हूं। कहीं किसी ने इस नाजायज संबंध की वजह से यह हत्या तो नहीं की? जब इस घटना की परत दर परत खुलेगी तो सच जानकर चौंक जाएंगे आप। आइए देखते हैं प्रेम, प्रतिशोध और परंपराओं में उलझी पंजाब की यह सनसनीखेज वारदात। मशीन किस काम आती है? ओ पुत्र, हमारे खेतों में जो अनाज उगता है ना, वो हम इस मशीन में डालेंगे और वो अनाज साफ गेहूं के दानों में बाहर निकल जाएगा और जिसे साड़ी बिटिया खाएगी। ओए इथे इथे इथे, ओ किथे गया सी तू? किथे गया सी? साढ़े नाल ट्रैक्टर थ्रेशर खरीदने क्यों नहीं आए सी तू? पाजी वो मैं एक जरूरी काम से आया। जरूरी काम ना, मैं भी तो सुनूं, कौन सा ऐसा जरूरी काम पड़ गया था तुझे? पापा जी, फिल्म देखने गया था, मैंने पैसे दिए। ओ वेखा पापा जी, ओ साड़ा पुत्र कितना चंगा काम करके आया सी ना, फिल्म देख कर आया, फिल्म। ओ ये है तेरा जरूरी काम? ओफो, अब आप भी सुबह सुबह शुरू मत हो जाओ, जब बड़ा हो जाएगा और समझदार बन जाएगा। अरे रौनक है तू। है कौन सी? This number can't be reached right now. क्या हुआ? किसका फोन है? ओ रॉन्ग नंबर है। ओ चलो चलो, ओ चलो, और तुम सबको ट्रैक्टर पे पूरे पिंडी सैर कराता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बच्चों को करा ला दूँ। सोचो मजीदा जी, रख लो। अरे केस से आज तक किसी का भला हुआ है? जो अब होगा। और वैसे भी ना, ये छोटी मोटी मोबाइल की दुकान चला के ना थक गया हूँ मैं। कब से एक ऑयल मिल सोच रहा हूँ खोलने की। रौनक जी की जमीन मुझे भेज दो, मेरा भी बड़ा हो जाएगा। पूरे 15 लाख रुपए हैं। ओए ये पैसे रख तू अपने कॉल, समझा? ओ मैंने उन्हें बेचनी को जमीन तुझे, समझा? मगर क्यों? ओ तू एक नंबर का बेईमान आदमी है, समझा? क्या बेईमानी की है मैंने? अरे माना कि आज मेरे पास कोई सबूत नहीं है अपनी बात को सच साबित करने का, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं बेईमान हूँ। अरे चचेरा ही सही, भाई रौनक का। 1000 बार कह चुका हूँ कि रौनक दी के शादी के वक्त चाचा जी के पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने मुझे अपनी जमीन बेच दी थी और उस जमीन बेचकर उन्होंने रौनक दी की शादी करवाई थी। मैंने सोचा एक बार शादी हो जाए फिर चाचा भतीजा दोनों जाके रजिस्ट्री करवा लेंगे। अब इस बीच में चाचा जी चल बसे तो जमीन फंस गई। जमीन नहीं बेची थी पापा जी ने, और अगर बेची होती तो मुझे जरूर बताते। अरे इसमें मेरी गलती है कि उन्होंने आपको नहीं बताया? आज अगर मैंने जमीन लेनी चाहिए तो आप लोगों ने केस कर दिया। पिछले 5 साल से मुकदमा चल रहा है, थक गया हूं मैं। और वैसे भी मैंने सुना है कि आपने ट्रैक्टर और थ्रेशर लोन में लिया है, इससे आपका वो भी पूरा हो जाएगा। जो खोते हैं वो, तू मेरे लोन की चिंता ना कर, समझा? मत कर चिंता। मैंने एक बार बोल दिया ना, अपनी जमीन तुझे नहीं बेचूंगा तो नहीं बेचूंगा। चल दफाओ यहां से। ठीक है जाता हूं, लेकिन सोच लो जी, आजकल लोग जबरन कब्जा भी कर लेते हैं,
आप तो खेती में लगे रहते हैं और छोटा छोटा खेल कूद में। इस बीच में किसी ने जमीन पे कब्जा कर लिया ना तो इससे भी जाओगे। बट बट ओ देखा पापा जोर होने का देख 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 भाई खत्या। अब अगर जमीन बेचने की नौबत आ भी गई ना तो काले चोर को बेच दूंगा पर तुझे कभी नहीं। देख निकल यहां से दबाओ। देखा दस साल में भी बिल्कुल नहीं बदले, बड़े सोने लग रहे थे आज। पहचाना मुझे? सलून क्या हुआ? क्यों हंस रही है? अच्छा आज फिर इस गधे ने बिना ब्रश किए खाना शुरू कर दिया। चुप ना लायक। पहले ब्रश करके आ फिर खाना मिलेगा। नहीं जाना? नहीं जाना। रुक अभी बता। उठ पहले ब्रश कर कर नहीं करता ब्रश। नलायक तेज पुत्र मैंने तो बहुत डर लग रहे। पुत्र तू जमीन के कागजात गारंटी पर रख के और 20 लाख का लोन तो ले लिया पर पुत्र 20 लाख की रकम बहुत बड़ी होती है। अरे कैसे चुकाएगा? वो तो उससे फिक्र ना करो पापा जी, ज्यादा मेहनत करूंगा तो 2 पैसे घर में आएंगे, चुका दूंगा लोन। पर पुत्र वो तू अकेला ट्रैक्टर और थ्रेशर कैसे संभालेगा? ये है ना गधा खोतेदा पुत्र, अब इसके कंधों पे भी कुछ जिम्मेदारी देनी पड़ेगी घर की। क्यों भाई? ओए सॉरी पादरी गलती से आ गई। सॉरी ओ जी वंटे 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 बेसरम देखे जी, तू सबकी दादी है। अरे इतने मना करने के बावजूद भी तुम दोनों माँ बेटे को शर्म नहीं आती। और सुन लो पिंड वालों, और 4 दफा मना कर चुके हैं रिश्ते के लिए, फिर भी मुंह उठा के आ जाती है हमारे आंगन में मेरे भाई पे डोरे डालने के लिए। चुप कर जोजी, क्यों चढ़ो डांटी जा रहे हो? एक बहुत डिग्गी आंगन छोर की है। अरे रोने के तू नहीं समझती है। अरे दोनों माँ बेटी बड़ी बेशरम है, बड़ी बेशरम है दोनों के दोनों। और जो बोल चाहिए ना बोल चाहिए ना तुझे कर। ये ले ये रही तेरी बॉल। लो जी वो हो गया तुम्हारी बॉल का तो हैप्पी बर्थडे है चाहिए बेशरम लोग। मेरी बॉल क्यों जलाई? कितना भला बुरा बोला मुझे। पिछले 1 साल में 4 बार मेरी माँ तुम्हारे घर मेरा रिश्ता लेकर गई। पता नहीं तेज बाजी को मुझसे क्या दुश्मनी है, हर बार ही मना कर देती है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? अरे रोंदी क्यों है? तेज बाजी थोड़े गुस्से वाले हैं, गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं। सुन मेरी बात, तू तुझे जानते ही कितने, वो तो अभी भी यही सोचते कि तू भी अपने भाई की तरह बदमाश है। अरे तो मैं ही जानता हूँ कि तू कितनी सोनी है। ओ यार तू दिल क्यों दुखाती है? तेरा ब्याह मुझसे ही होगा, मैं कह रहा हूँ ना। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना रौनक भाभी से बात करता हूँ, वो तेजबाजी को समझाएंगी, फिर देखियो जब वो तेरी सारी अच्छाइयाँ तेजबाजी को बताएंगी ना तो यूँ तेजबाजी मान जाएंगे। देखियो तू रौनक भाभी बहुत अच्छी है, तेजबाजी उनकी कोई भी बात नहीं डाल सकते। वो क्यों, हम भी उनकी कोई भी बात नहीं डाल सकते? भाभी की तारीफ कर रहा तो थक नहीं रहा तू? और मैं इतनी देर से तेरे सामने बैठी हूँ, मेरी तो तारीफ की नहीं तूने। हाँ तारीफ तो दू, ठीक से देखा भी नहीं मैंने। ओए मेरी कटरीना कैफ, तब से तुझे ही तो घूरे जा रहा हूँ। अरे जोत जोत अरे जोत जोत क्या भाभी आप ही मेरे मजाक उड़ा रहे हो? आप तेज पाजी को समझाओ ना, वो मेरे और जोत के रिश्ते के खिलाफ क्यों है? भाभी मैं प्यार करता हूँ उससे और उसी से ब्याह करूंगा, बस कह देता हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं करूंगी तेरी बीजी से बात तेरे और जोत की शादी के बारे में। पक्का? हाँ हाँ पक्का। कमला ना हो बेटा। वैसे एक बात बोलूं, जोत में क्या बुराई है जो हर बार उसे कोसते रहते हो? सोनी कुड़ी है,
और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारा गट्टू से बहुत प्यार करता है, कर दो ना रिश्ते के लिए। हाँ ओ चुप करो, अच्छी लड़की नहीं है, बिगड़ी लड़की है वो। अरे उससे हजार गुना अच्छी लड़की लेकर आएंगे अपने गट्टू के लिए। चोर, उसके खानदान में चोर बदमाश और बेशर्म लोग भरे पड़े हैं। अपने गट्टू को उस घर में ब्याह करा दूं मैं? पागल हो गई है क्या? हाँ हाँ तुम्हें तो सब दिखता है पर अपने भाई की खुशी नजर नहीं आती। देख रौनक, गलत बात के लिए जिद ना किया कर बस। जोत, जोत, जोत। मैं सात समंदर पार कर तुझसे मिलने वापस आई हूँ, तू मुझसे मिलने नहीं आएगा? क्या हुआ, किसका मैसेज है? वो बैंक वालों का मैसेज है, वो लोन लिया है ना तो किस्त चुकानी है, अब आता हूँ। तेज अपनी घर गृहस्थी से बेहद खुश था, लेकिन अचानक किस तरह पुरानी प्रेमिका के लगातार आ रहे मैसेजेस उसे परेशान कर रहे थे। एक तरफ उसे क्यूरियोसिटी थी कि उसकी पुरानी प्रेमिका उससे क्यों मिलना चाहती, वहीं दूसरी ओर वो चिंतित था कि अगर उसकी पत्नी रौनक को इसका पता चला तो उसके सुखी परिवार का क्या होगा। मैं हूँ कि कब से तेरे मैसेज करे जा रही हूँ, रिप्लाई नहीं कर रहा, यहाँ पे आराम से चद्दर तान के सोया हुआ है। उठ। पाजी वो मैम। चित्तू तू? तू हमारी छत पे क्या कर रही है? ओ बाहर निकल। अबे चुपचाप घर में बैठ गई दोनों माँ बेटी। ओ बहुत तमाशे देख रहे तुम दोनों माँ बेटी के। ओ आज तो फैसला हो गई रहेगा। अब बाहर निकलो, वो आपके साथ सुन गया। बाहर निकल दोनों माँ बेटिया। चुप कर, तू सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? और रहने दे रोने के, जिद ना कर। अब कोई बैठ के बात नहीं होगी, अब तो यही इस चौखट पर बात होगी और पूरा पिंड सुनेगा। अपनी बेटी को लेकर संदेह सिखाई करे कुछ लो। क्या बात है, क्या बात है, की हो गया जो ऐसे चिल्लाए जा रहा है? हैं, की हो गया? वो ये मुझसे नहीं, ये अपनी बेटी से पूछो, उससे पूछो ये कल आधी रात को छत पर क्या करने आई थी। ए, की कह रहे हैं पुत्र, मेरी जोत ऐसी नहीं है। अच्छा मुझ पे यकीन नहीं आता ना, तो पूछ अपनी बेटी से ये क्या करने गई थी आधी रात को छत पे। क्यों, अब क्या हो जी ताई जी, क्या हुआ है? मैं तो बड्डी बड्डी बातें कर रही थी, क्यों चिल्ला रहे हो सड़क पे, क्यों दरवाजा पीट रहे हो, है? अब क्या हुआ? आप क्या सोचते हो मेरे भाई को फंसा लोगे? ये मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ताई, ओ बस कर। ओ पापा जी, तुसी क्या गलत, बहुत हो गया, और जो तू कहना चाहता था कह चुका ना, चल अब घर चल। पापा जी मारते नहीं दोनों, शर्म लिहाज नहीं इन दोनों के। संभाल ले, बहुत हो गया, आखिरी बार कह रहा हूं, आखिरी बार। चल तू कर चल। अरे क्या पापा जी, और चल चल। वो जल्दी कर, जल्दी, वो जल्दी कर यार, वो तो खड़ा क्यों, वो जल्दी कर, वो जल्दी हाथ बटावे, जल्दी करो। जी चने तो कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा, अब बाउंड्री बना के ना लेट है तो बैठा दूंगा ऊपर, तब पता चलेगा कैसे कब्जा किया जाता है जमीन पे। जल्दी हाथ बटाओ। नहर पर मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ, आ जाओ। इतनी रात को ये कहाँ चले गए? सलोनी, मैंने यकीन नहीं होता कि इतने साल बाद आज यहां इस तरह तू मेरी राह तक रही, पर अब वक्त बहुत बदल गया है सलोनी। 10 साल पहले के तेज और आज के तेज में बहुत फर्क है सलोनी। मैं तो बस यहां इसलिए आया था कि तुझे समझा बुझा के घर वापस भेज सकूं। मैं वाहेगुरु से तेरी खुशी के लिए अरदास करूंगा, चलता हूं।
चक्को चक्को ओले फटाफट तो भाई आ फड़ ले बात ओ शाबाश बस यही रख दो पकड़िए ने दूर रखिए लाश से तेज की किसी ने रहस्यमय हालातों में हत्या कर दी। आखिर किसने की थी उसकी हत्या? क्या उसकी पुरानी प्रेमिका सलोनी ने, जिसको तेज ने मर्यादा और घर गृहस्थी का हवाला देकर उसे लौट जाने को कहा था? या फिर रौनक के चचेरे भाई मनदीप ने, जो उसकी कॉन्ट्रोवर्शियल प्रॉपर्टी को हत्याना चाहता था? या कोई और ही था जो उसकी हत्या करना चाहता था? ये तो साफ जाहिर था कि मारने वाले को तेज से गहरी नफरत थी। तेज अपने परिवार का सबसे बड़ा और कमाऊ बेटा था, इसलिए उसके इस तरह मारे जाने से उसका पूरा परिवार बिखर गया था। कोई दुश्मन नहीं था उसका सिवाय उस मनदीप के। ये मनदीप कौन है? इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहू रौनक का चचेरा भाई है मनदीप। दरअसल इंस्पेक्टर साहब, रौनक के पिताजी की एक जमीन है और ये कमीना उसे हड़पने की ताक में लगा रहता है हमेशा। कल जमीन खरीदने के लिए पैसा तक लेकर आया था, तेज ने मना किया तो जबरन कब्जा करने की धमकी देकर गया था। इंस्पेक्टर साहब, मुझे पक्का यकीन है कि उसी ने मेरे बेटे को मारा है। उसी ने। ठीक है, एक बार मैं आपकी बहू से भी बात कर लेता हूं। कल उनकी फोन पे जाने की मैसेज आया, इससे पहले मैं उनको रोकती और पूछती, वो चले गए थे। हाय रब्बा, मैंने उनको क्यों नहीं रोका? अगर मैं रोकती तो आज मेरे साथ होते। इंस्पेक्टर, मेरे दोस्त बता रहे थे कि कल रात भाभी की जमीन पर मनदीप ने दीवार खड़ी की थी। जरूर तेज पाजी को इसके बारे में पता लग गया होगा और वो वहां चले गए और उस मनदीप ने ही तेज पाजी को मारा है, उसी ने ही मारा है। हेलो हेलो सर, रौनक की जमीन पर दीवार बनी हुई है। वहाँ कोई हाथापाई के निशान है क्या? नहीं सर, जहाँ पर कोई भी हाथापाई के निशान नहीं है। ठीक, सर जो मनदीप के घर टीम भेजी थी, खबर मिली है कि वो वहाँ नहीं है और उसका मोबाइल भी नहीं लग रहा। मुझे तो लगता है सर वो भाग गया है। भाग के जाएगा क्या? एक काम करो जी, उसका मोबाइल सर्विलेंस पे डालो और उसके बारे में जो भी खबर मिलती है सब निकालो, सब। जी सर। कितनी अजीब बात है ना, अगर वहां दीवार बनाने की खबर तेज को मिली होगी तो वो वहां गया होगा और वहां पे मनदीप के साथ उसकी हाथापाई भी हुई होगी, पर हवलदार के मुताबिक वहां कोई हाथापाई के निशान नहीं मिले और तेज की लाश वहां से 4 किलोमीटर दूर सूखी नहर के पास मिली है। अजीब तो सर मुझे बहुत लग रहा है, क्योंकि तेज की लाश के पास हमें कुछ नहीं मिला, यहाँ तक कि उसका मोबाइल भी गायब है। इस तेज के बारे में सब कुछ पता करो, सब कुछ। आइए देखिए, देखिए नहीं क्या होगी। डॉक्टर साहब, इनके घर वाले की मौत हो गई और उस अग्नि में लगातार रोई जा रही थी और फिर अचानक बेहोश हो गई। प्लीज आप बाहर वेट कीजिए, मैं नहीं देखती। डॉक्टर क्या हुआ, भाभी ठीक तो है ना? वैसे घबराने की कोई बात नहीं है, वो प्रेग्नेंट है। फिलहाल मैंने उन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है, बस आप लोग उनका ख्याल रखें। नमस्ते। धन्यवाद। Thank you.
खुशखबरी आई भी तो हादसों की चादर में लिपटी हुई। कुछ समझ में नहीं आ रहा गट्टू पुत्र। तेज तेज बहुत समझदार था, उसने अपने बलबूते पे जमीन के कागज गिरवी रखकर 30 लाख का लोन लिया, ट्रैक्टर खरीदा, थ्रेशर खरीदा। पर पुत्र लोन तो लोन ही है ना, वो तो हमें चुकाना पड़ेगा। अगर नहीं चुकता कर सके तो तेरे तो पता ही है बैंक वाले कैसे वसूलते हैं। मैं तो बूढ़ा हो गया, किसानी मेरे बस की नहीं। गट्टू पुत्र कब तुम्हें अपने बड़े भाई की जगह ले ली है, उसकी तरह सारे सारे घर का बोझा उठाना होगा तेरे को, समझ गया ना पुत्र? सर ये रहे मंदीप और तेजपाल के कॉल लोकेशन डिटेल्स। सर मंदीप की मोबाइल की लास्ट लोकेशन लुधियाना की थी और मुझे लगता है कि इसने अपना मोबाइल और सिम वहीं पे तोड़ के फेंक दिया। सर तेजपाल के मोबाइल डिटेल से कुछ खास नहीं मिला सिवाय एक नंबर से जिससे उसके मरने से 2 दिन पहले से ही मैसेज आ रहे थे। इसका नंबर है ये? सर ये कोई सलोनी को रहा है और पास के गाँव की रहने वाली थी। इस सलोनी को जरा थाने लेके आओ पूछताछ के लिए। सर ये तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैंने पता किया है कि सलोनी कौर तो 10 साल पहले ही अपने पति के साथ कनाडा में सेटल है और उसके परिवार का कोई यहाँ रहता भी नहीं। एक काम करो, कनेडियन एम्बेसी में बात करो, इस लड़की की पूरी इंफॉर्मेशन निकालो। यस सर। खाना नहीं खाओगे तो कैसे चलेगा? कमजोर पड़ जाओगे। अरे अगर तुम कमजोर पड़ गए तो बाकियों का ख्याल कौन रखेगा? हाँ यार रौनक भाभी, यार उन पर क्या बीत रही है कोई नहीं समझ सकता। क्या बिगाड़ा था मेरे तेजवीर जी ने, क्या बिगाड़ा था? क्यों मार दिया उन्हें? क्यों छोड़ के चले गए वो मुझे? तू रो मत, तू रोएगा तो पापा जी का क्या होगा? हाँ भाभी को कौन संभालेगा? बिल्कुल ठीक कह रही, मैं नहीं रहूंगा, मैं संभालूंगा पूरे घर को, मैं संभालूंगा, मैं सारा लोन चुकाऊंगा, अपनी भाभी को खुश रखूंगा, उन्हें कोई दुख नहीं होने दूंगा। डॉक्टर ने कहा है ना उनको कोई दुख नहीं होने देना, उन्हें कोई दुख नहीं होने दूंगा, मैं संभालूंगा। अंकल ये सलोनी सिंह कौन है और आपके बेटे के साथ इसका क्या रिश्ता है? सलोनी? इंस्पेक्टर साहब, सलोनी महेंद्र सिंह की बेटी थी, पास वाले गांव में रहती थी। दरअसल मेरा बेटा तेज उसे ब्याह करना चाहता था लेकिन उसके घर वाले इस शादी के लिए नहीं माने और उसका ब्याह किसी NRI डॉक्टर से कर दिया। शादी के बाद वो कनेडा सेटल हो गई थी लेकिन तुसी ये गल मेरे तो क्यों पूछ रहे हो? कल की है। आपके बेटे तेजपाल के मर्डर के 2 दिन पहले से उसकी सलोनी सिंह के साथ बातचीत हो रही थी, वो भी मैसेज पर। कि? हाँ जी, इस बारे में मुझे आपकी बहू से भी पूछताछ करनी पड़ेगी। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, रब के वास्ते मेरी बहू से ऐसी बातें मत पूछिए, वो माँ बनने वाली है, पहले बहुत सदमे में है, अब और कुछ नहीं सह पाएगी। मैंने आपको सबको सच सच बता दिया, कोई जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। ठीक है। पुत्र अब तबीयत कैसी है तुम्हारी, कुछ खाया तूने? मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए पापा जी। की? क्या करेगा इस दुनिया में आके पापा जी, जिसका बाप नहीं, बिन बाप के बच्चे की मैं परवरिश कैसे करूंगी? परे की परवरिश अच्छी तरह से कर लो, उतना ही काफी है। मैं मरा नहीं हूँ अभी जो तू ऐसे बात कर रही है, खबरदार जो तुम्हारा ऐसा बोला तो वाहेगुरु सब भली करेगा। तू क्यों हौसला खोती है? तो क्या करूं?
क्या करूं पापा जी, आप ही बताइए। मैंने सब सोच लिया पुत्र, कट्टू तुम पे चादर डाल देगा, इसी में घर की भलाई है। क्या क्या कह रहे हो पापा जी आप? गट्टू, गट्टू को मैं अपने बेटे जैसा मानती हूँ, उसके लिए तो मैं सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती। आइंदा से ऐसे बात मत कीजिएगा पापा जी, हाथ जोड़ती हूँ मैं आपके आगे। रौनक अपने होने वाले बच्चे को गिरा देना चाहती थी। उसे कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि विधवा का जीवन जीते हुए वो दो बच्चों की परवरिश नहीं कर पाएगी। बड़े ही दुख की बात है कि हमारे समाज का ढांचा आज भी ऐसा है जहां महिलाओं के पति की मृत्यु के बाद समाज उन्हें सपोर्ट नहीं करता। हरियाणा और पंजाब में महिलाओं को स्थिति से बचाने के लिए चादर डालने की परंपरा थी और ये परंपरा आज भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। इसके अनुसार अगर बड़े भाई की अकस्मात मृत्यु हो जाए तो छोटा भाई अपनी भाभी पर चादर डाल देता है, यानी कि उससे शादी कर लेता है। हालांकि ये परंपरा अब लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन घर के हालात देखते हुए अमरीक ने अपने छोटे बेटे गट्टू से अपनी बड़ी बहू रौनक की शादी कराने का मन बना लिया। और उधर पुलिस सलोनी को ढूंढ रही थी। पुलिस को ये यकीन था कि सलोनी का तेज की मृत्यु से कोई ना कोई संबंध जरूर है। सर, सर मैंने सलोनी कौर के बारे में एम्बेसी में पता किया है, वो ना कनाडा में है ना ही इंडिया में आई है। तो फिर कहाँ है सलोनी? सर सलोनी कौर की 2 साल पहले डेथ हो चुकी है, मैंने एम्बेसी में 2 बार कंफर्म किया है। तो फिर यहाँ इंडिया में सलोनी के फोन से कौन बातें कर रहा था तेज से? मैंने सर सलोनी की मोबाइल डिटेल निकलवाई है, ये नंबर 1 हफ्ते पहले ही एक्टिवेट हुआ है, ये प्री एक्टिवेटेड सिम है सर। मुझे लगता है सर किसी ने सलोनी कौर के फेक डॉक्यूमेंट से ये सिम निकलवाया है सर। तो फिर एक काम करो, उस दुकानदार को उठा के लाओ जिसने ये सिम बेचा था, अब वही हमें बताएगा कि सिम खरीदने वाला कौन है। सर ये तो नहीं हो सकता क्योंकि दुकानदार पहले से ही फरार है। पर ये है कौन? सर मनदीप, ये रौनक का चचेरा भाई और तेज का साला है सर। क्या हो गया पापा जी आपको? भाभी और मैं, ये बात आपके दिमाग में आई भी कैसे? माँ की तरह प्यार किया उन्होंने मुझे। वो मेरी आंखें नहीं फूटी, मैंने भी देखा है उसी तरह ख्याल रखते हुए। नहीं पापा जी, ये मुझसे नहीं होगा। तू अपने भाभी के इतने एहसानों का ये बदला चुकाएगा? तेज तो मर गया, क्या उसे दर दर की ठोकरें खाने देगा तू? ठोकरें क्यों खाएंगी वो, क्यों खाएंगी वो ठोकरें? पापा जी मैं हूं ना, मैं उनका ख्याल रखूंगा, मैं पूरे घर का ख्याल रखूंगा पापा जी, सारा लोन मैं चुकाऊंगा पापा जी, पर ये और होने वाले बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा पापा जी। चाचा होकर भी मैं उनकी जिम्मेदारी निभा सकता हूँ। मुझे पता है कि तू चाचा रहकर भी सब कुछ कर सकता है, पर कल जब उन बच्चों की चाची आएगी तो वो ये सब नहीं होने देगी। और आज तो तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ना, पर कल को जब तेरी अपनी औलाद होगी तो तू मुड़ के भी नहीं देखेगा भाभी की तरफ। गट्टू बिल्कुल ठीक कह रहा है पापा जी, मैं भला ऐसे क्यों करूंगी, बल्कि भाभी तो मेरी बड़ी बहन जैसी। चुप कर पुत्र, तू अपने काम जा, इन दुखों के समय में तूने हमारी बहुत मदद की है, उसके लिए शुक्रिया, पर तुम्हारा हमारे घर के मामले में बोलने का कोई हक नहीं है। जा घर जा। कट्टू पुत्र, तू इस लड़की की बातों में मत आना, क्योंकि कोई भी लड़की अपने पति को किसी और के बच्चों को संभालते हुए नहीं देख सकती। पुत्र तू इतना स्वार्थी हो गया कि अपनी जिद की खातिर पूरे घर को तबाह कर रहा है। चादर डाल दे भाभी पे, ब्याह कर ले उससे पुत्र, ब्याह कर ले। सर अभी भी मनदीप के एटीएम की ट्रांजैक्शन डिटेल मिली है, उसने आधा घंटा पहले ही जलंधर के एक एटीएम से पैसे निकलवाए हैं, हो सकता है सर वो आसपास इलाके में छुपा हो। वेरी गुड, टीम तैयार करो, हम जलंधर अभी निकल रहे हैं। यस सर।
अपनी भाभी से ब्याह करना था तो मुझसे प्यार क्यों किया? तो मैं तुझसे बात कर रही हूँ। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, पर तुझसे भी ज्यादा अपनी भाभी से प्यार करता हूँ मैं। और तेरे कारण मैं अपनी भाभी और उनके बच्चों से जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। तू बहुत सोनी है, तुझे बहुत मिल जाएंगे, भूल जा मुझे। खराब है बेटा। हेलो, कौन है? तुझे बताता हूँ मैं। ले पुत्र, डाल दे। जीजा की जमीन में कब्जा करना चाहता और उनको मारा नहीं है मैंने। उस रात जब मुझे पता चला कि तेज जीजा का खून हो गया तो मैं डर के भाग गया था साहब, क्योंकि क्योंकि मैंने उनकी जमीन कब्जा करनी चाहिए थी। और ये सोच के आप मुझ में शक करोगे, मेरे को खून ही समझोगे। अबे कहानी मत सुना, तेरी सारी होशियारी पकड़ी गई है। तू मैसेज नहीं कर रहा था सलोनी सिंह के नाम से तेज को और उसे अकेले में बुलाकर मार डाला? ये आप क्या कह रहे हैं साहब, मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तबीयत से डंडे पड़ेंगे ना तो सब समझ में आ जाएगा। तूने सलोनी सिंह के फर्जी डॉक्यूमेंट पर सिम इशू नहीं कराया क्या? कौन सलोनी साहब, दिन भर में 20-25 सिम भेजता हूँ, ऐसे ऐसे मुझे याद नहीं आएगा। अगर आप दुकान से मेरी डायरी मंगवा दें तो शायद कुछ याद आ जाए मुझे। साहब साहब, सब ये नंबर है ना, 34-25-35? हाँ यही है। ये सिम मैंने किसको दी थी याद है साहब? ये सिम तो मैंने तेज जीजा के छोटे भाई गट्टू को दी थी। क्या? हाँ साहब, गट्टू जीजा जी का छोटा भाई है, ये सोच के मैंने उसके पेपर वर्क चेक नहीं किया था। देख क्या रहे हो, जल्दी जीप निकालो। सुना है आज ही शादी की है इसने अपनी भाभी से, आज निकालता हूँ इसकी बारात। चलो। यस सर। चढ़ी थी तुझे अपनी जिंदगी बर्बाद करने की, क्या किया तूने?
तुझे क्या लगता है कि ऐसा करके तूने मुझे खुशी दे दी? क्या मैं नहीं जानती कि तू क्या चाहता है? क्यों किया तूने ऐसे? चुप क्यों है? बोल ना। भाभी, हम चाहते तो बहुत कुछ, लेकिन जैसा हम चाहते वैसा होता कहाँ है? भाभी, अब ज्यादा सोचिए मत, सो जाइए। डॉक्टर ने आपको आराम करने को बोला है। ये फालतू की बातें अपने दिमाग से निकाल दीजिए प्लीज। अब सो जाइए। अपने आप को बहुत चालाक समझता है, भाई को मार डाला, भाभी पे चादर डाल दी और अब हीरो बन के घूम रहा है। ये क्या कर रहा है? इंस्पेक्टर साहब, ये की कर रहे हो तुसी? हुआ क्या? पता चल जाएगा आपको भी क्या हुआ है। चल चल भाभी, भाभी लड़क पुतारी क्यों है? क्या हुआ? लगता है इसे जहर दिया गया। अरे जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेके जाओ और तू चल थाने बेटा। इंस्पेक्टर साहब, आप ये क्या कह रहे हो? भला कट्टू ऐसा क्यों करेगा? अंकल जी, ये तो आपका बेटा ही बेहतर बताएगा। मैंने चल जा, मैंने कुछ पापा जी। भाई को क्यों मारा तूने? भाभी को जहर क्यों दिया? अरे जब मारना ही था तो शादी क्यों की? आप लोग पागल हो गए क्या? मतलब मैं अपनी भाभी को क्यों मारूंगा? जिस नंबर से तेरे भाई को मैसेज आ रहे थे वो सिम तूने मनदीप से निकाला था। बोल, मनदीप से? पेशेंट की जान तो बच गई है पर बच्चे का मिसकैरेज हो गया है। बहुत ठीक है कि मानो मिल सकता है। वो बिल्कुल ठीक है बट अभी वो किसी से बात नहीं कर सकती। हाँ, आप में से कोई एक उनको जाकर देख सकते हैं। कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी हैं, प्लीज आप मेरे साथ। पापा जी, भाभी की जान बच गई इतना ही काफ़ी है। तुसी जाओ डॉक्टर के साथ, मैं देख आती हूँ। ठीक है पुत्र। बड़ी सख्त जान हो भाभी, जहर पीकर भी नहीं मरी। जब तक तुम नहीं मरोगी मेरे सपने कैसे पूरे होंगे? जहर से नहीं मरी तो क्या, अब तुझे हाथों से मरना पड़ेगा। पता तूने तेजपाल को क्यों मारा और फिर उसकी पत्नी को क्यों मारना चाहती थी? मारनी नहीं चाहती, अपने जीते जी ये तेज मेरा और गट्टू का ब्याह कभी नहीं होने देता। मैं दिन रात यही सोचती रहती कि मैं उन्हें ब्याह के लिए कैसे मनाऊं। फिर मैंने सोचा कि उन्होंने भी तो अपने जवानी में प्यार किया था सलोनी से। मैंने सोचा कि अगर मैं उन्हें उनका प्यार याद दिलाऊं तो शायद मेरे ब्याह के लिए उनके दिल में थोड़ी रहम आ जाए। मैं ही उन्हें सलोनी बनकर मैसेज करती थी और जिस दिन उसने मेरी माँ को सरेआम जलील किया मैंने उसे मारने का फैसला कर लिया और फिर उसे सलोनी के नाम से मिलने का मैसेज किया। मुझे यकीन था कि वो सलोनी को मिलने जरूर आएगा और फिर उस रात
इतना सब करने के बाद भी गट्टू मुझे नहीं मिला। भाभी का लाड़ा भाभी की गोद में जा बैठा और फिर मैंने भाभी के पानी में जहर मिला दिया। सुन, तेज बाजी सही कहते थे कि तू कुड़ी सही नहीं है। तूने मेरे वीर जी को मारा, मेरी भाभी को मारना चाहा, अरे उसकी कोख में पल रहे बच्चे को मारा तूने। जी तो चाहता कि मैं तुझे यही काट दूं, ये मारू तुझे मैं। शर्म आती है मुझे कि मैंने तुझसे कभी प्यार भी किया था। अरे तू मेरे प्यार के तो क्या, तू तो मेरी नफरत के भी काबिल नहीं है। ले जाओ इसे। ज्योत ने गट्टू को पाने के लिए क्रूरता की सभी हदें पार कर दी। तेज को गट्टू और ज्योत का रिश्ता मंजूर नहीं था क्योंकि ज्योत के परिवार का क्रिमिनल बैकग्राउंड था। कई बार प्रेम विवाह के लिए परिवार वाले सहमति नहीं देते, लेकिन सहमति पाने के लिए उन्हें प्यार से समझाने बुझाने का रास्ता अगर ज्योत ने चुना होता तो शायद उसका सपना पूरा हो सकता था। लेकिन उसने अपराध का रास्ता चुना जो उसे सीधा जेल की काल कोठरी में ले गया। ज्योत को तेज सिंह की हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302, रौनक की हत्या की कोशिश के लिए धारा 307 और रौनक के गर्भ में पल रहे बच्चे की हत्या के लिए धारा 312 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। प्रेम इंसान को इंसान से जोड़ने की कला सिखाता है, लेकिन आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं प्रेम के नाम पर जिसे सुनकर यकीन नहीं होता। ये कैसा प्रेम है जिसकी आड़ में अपराध किए जाते हैं। प्रेम तो आत्मा की सहज अभिव्यक्ति है, इसे जुनून या जिद कतई ना बनाएं। और आसपास के ऐसे लोगों से सतर्क रहें जो प्रेम के नाम पर जबरदस्ती किसी को हासिल करना चाहते हैं या किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पंजाब के क्रिमिनल्स को कानून के हवाले करने के लिए हम सभी पंजाब वासियों को एकजुट होना होगा ताकि पंजाब एक क्राइम फ्री स्टेट बन सके। और ये सब हमें अभी करना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी के साथ मैं सौरभ राज जैन आप सबसे विदा लेता हूं। पंजाब में जुर्म को जवाब देती हुई एक और सच्ची घटना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सावधान पंजाब, फाइट बैक नाउ।